हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर होने जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस पर ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो जहां ये होगा उसको आप पॉज कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो हम आपको बता रहे हैं 4 दिसंबर 2022 के वन लाइनर के टॉप क्या हैं, टॉप खबरें जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो करंट अफेयर है वो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस IDPD हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा है उदयपुर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? उदयपुर 4 से 7 दिसंबर 2022 की पहली G20 की शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। ऑडियो फिल्म अभिनेत्री झरना दास का निधन 2 दिसंबर 2022 को हो गया। वृद्धयोद्ध ऑडियो फिल्म अभिनेत्री झरना दास का निधन 2 दिसंबर 2022 को हो गया। हरियाणा के सरबजीत सिंह ने 2 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानाबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता। हंसराज गंगाराम अहीर को 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया गया। हंसराज गंगाराम अहीर को 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यो वृद्ध वित्र चित्र और ऑस्कर पुरस्कार विजेता जूलिया रिचर्ड ने 3 दिसंबर 2022 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यो वृद्ध वित्र चित्र और ऑस्कर पुरस्कार विजेता जूलिया रिचर्ड का 3 दिसंबर 2022 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वीरेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। सौराष्ट्र ने गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम विजय हजारे ट्रॉफी के लिए फाइनल महाराष्ट्र को 3 विकेट से हराया। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराया? 3 विकेट से। वो भी कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है वहाँ पे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में वाराणसी बेंगलोर हवाई अड्डे पर TG यात्रा की सुविधा शुरू की है। कौन क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है, हाल ही में वाराणसी में TG यात्रा की सुविधा शुरुआत की है वाराणसी और बेंगलोर में। तीसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 2 दिसंबर 2022 को द चिपको मोमेंट द पीपुल्स मोमेंट से सम्मानित किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर 2022 का द चिपको मोमेंट ए पीपुल्स मोमेंट से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 3 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हो गए। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नाथन लियोन ने 3 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नाथन लियोन ने 3 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। संस्कृति मंत्रालय ने स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया।
संस्कृति मंत्रालय ने स्वर धरोहर फाउंडेशन सहयोग 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NEDA प्रतिबंधित पदार्थ वाला दवाओं को सत्यापित करने वाले एथलीटों की सहायता से एक ऐप विकसित कर रही है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिसंबर 2022 को विस्तारा एविएशन द्वारा पुणे से सिंगापुर के लिए सीधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसमें नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दिसंबर 2022 को विस्तारा एविएशन द्वारा पुणे में सिंगापुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया में CEO प्रशांत कुमार को हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ग्रुप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने 3 दिसंबर 2022 को काहिरा मिस्र में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISF प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? रुद्राक्ष पाटिल ने 3 दिसंबर 2022 को काहिरा में मिस्र की राजधानी काहिरा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने राज्य भर में आवासीय भवनों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी की है। ये अच्छी बात है। रूफटॉप मतलब हर छतों पर सोलर लगाया जाएगा। कौन से? जो भी प्रशासनिक परिषद राज्य भर में आवासीय भवन है उसमें लगाया जाएगा। मेघालय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समुदाय की सामूहिक भागीदारी के जरिए समुदायों की सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य नीति की मंजूरी दी है। कौन सी नीति की? मानसिक स्वास्थ्य नीति की। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रूंडेल की जीवनी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन को 2 दिसंबर 2022 को बेली की फोर्ड पुरस्कार का विजेता से नामित किया गया। प्रसिद्ध ब्रिटेन लेखिका कैथरीन रूंडेल की जीवनी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन को 2 दिसंबर 2022 को बेली की फोर्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। चलिए अगला देखते हैं। इतिहास वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय के INF बुक प्राइज 2022 के विजेता के लिए चुना गया। चलिए आज का और इतना ही था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।